राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकता था। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले सीजेआई ही अध्यक्ष हो सकता था, अब कोई भी जज या सीजेआई अध्यक्ष हो सकता है। एक तो यह बात, पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो सदस्य जिनको मानवाधिकार का ज्ञान या अनुभव हो वे नियुक्त किए जाते थे, दो सदस्य। अब तीन सदस्य होंगे जिसमें एक महिला का होना आवश्यक है, ठीक है। तीसरी बात, पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन सदस्य होते थे, पहले की स्थिति थी। अब क्या है, ये जो चारों आयोग हैं इनके सदस्य, इनके अध्यक्ष पदेन सदस्य तो होंगे ही, तीन और आयोग ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे, एनसीबीसी के अलावा एनसीपीसीआर, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नेशनल कमीशन, ठीक है, एंड कमिश्नर ऑफ पर्संस विथ डिसएबिलिटी कमीशन। जो कमिश्नर होगा विकलांग या दिव्यांग लोगों के लिए, भारत में जो कानून है वो 1995 में बनाया गया, जिसका नाम अंग्रेजी में कहा जाता है PWD Act। PWD वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ PWD है पर्संस विथ डिसएबिलिटी, निःशक्त जन अधिनियम कहते हैं शुद्ध हिंदी में, निःशक्त जन या दिव्यांग जन अधिनियम कहते हैं। तो निःशक्त जन अधिनियम या दिव्यांग जन अधिनियम के तहत ही एक कमिश्नर नियुक्त करने की बात थी, तो वो कमिश्नर भी पदेन सदस्य होगा। पहले 5 साल या 70 साल जो भी हो पहले आएगा वह कार्यकाल होगा, अब क्या है 3 साल या 70 साल जो भी पहले होगा वह क्या है, 5 साल की जगह पर क्या कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया, 3 साल या 70 साल कार्यकाल होगा। पहले 5 साल फिर से रीअपॉइंट होने का प्रावधान नहीं था, अब 5 साल फिर से रीअपॉइंट होने का भी क्या है प्रावधान कर दिया गया। पहले सेक्रेटरी जनरल का जो पद था वह पद नहीं था, उस पद के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थे वो पावर्स जो है उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम होगा उसमें सेक्रेटरी जनरल की भी बात कही गई। तो थोड़ा सा आप इसको जो है केवल जानना ही नहीं है, नोट करना है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पीसीएस में तो हल्का फुल्का सवाल आ सकता है या हो सकता है कि न भी आए, पीसीएस का अपना खेल है, लेकिन आईएएस में से सवाल बनने की संभावनाएं हैं। तो मैं यहाँ पर जो मैंने आपको अंतर बताए वो अंतर क्या है यहाँ पर कर देता हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इधर है पहले और इधर है अब। अब मतलब, अब मतलब क्या, 2019 में या 2019 से, ठीक है, और 2019 से है तो यहां पर क्या है किसके तहत, तो हम लोग कहेंगे कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक, या अब तो अधिनियम हो गया, विधेयक जब पारित हो जाता है तो क्या हो जाता है, विधेयक पारित होता है क्या होता है, अधिनियम बन जाता है, मसौदा विधेयक अधिनियम। पहले ड्राफ्ट होता है, फिर ड्राफ्ट जब संसद के सामने पेश कर दिया जाता है तो विधेयक होता है, और जब विधेयक दोनों सदनों के द्वारा और राष्ट्रपति की उस पर अनुमति मिल जाती है तो क्या हो जाता है, अधिनियम। तो ये भी ध्यान, जब पारित हो जाने वाला लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अधिनियम। ये दो बात क्या है कर रहा हूं, तो
ये हुआ इस पहला जो तत्व है उस तत्व को आप समझिए। पहले अध्यक्ष कौन होगा? सीजेआई। सीजेआई बोले तो क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले अध्यक्ष सीजेआई कौन? रिटायर या पदस्थ या दोनों? पद वाला क्यों लेगा? ध्यान दे रहे हैं आप बात को? अरे मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, मैं उसको छोड़ के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ज्वाइन कर लूंगा? पागल हो गया हूं क्या मैं? थोड़ा कॉमन को भी क्या है। तो पहले क्या है, जो रहा है, रह चुका है, बी या हैज बी, वो क्या है होगा। अच्छा बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, भाई हमको क्या करना है, हम हो गया बहुत नौकरी वोकरी हो गई। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अध्यक्ष, अब अध्यक्ष कौन होगा? यहां पर मैं वही उसी भाषा को लिख रहा हूं जो भाषा हम लोग बोलते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की कॉपी आप लिखेंगे तो ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सर ने लिखा भी सुप्रीम कोर्ट होगा, वहां पर उच्चतम न्यायालय ठीक ठाक पर मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर पहले मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते थे तो दो सदस्य ऐसे होते थे जिनको मानवाधिकार आयोग का या मानवाधिकार तो बहुत ज्ञान हो या बहुत अनुभव हो, ठीक है। अब क्या होगा, सदस्य कितने होंगे? अब तीन होंगे। शर्त वही है कि ज्ञान हो या अनुभव हो, एक और शर्त जुड़ गई, इसमें से एक सदस्य का महिला होना आवश्यक है, एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ठीक है। एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। तीसरा, पहले जो थे पदेन सदस्य जो होते के अध्यक्ष जो होते थे वो पदेन सदस्य होते थे। चार आयोगों के अध्यक्ष क्या होते थे? पदेन सदस्य। उन चार आयोगों का बताइए, एनसीएस, एनसीमेन और एनसी, ठीक, एससी एसटी कमी, विमेन, संख्या का आयोग, ठीक है। अब क्या होगा, फोर प्लस थ्री हो गया। अब कौन कौन से, मतलब ये जो है सात पदेन सदस्य होंगे, चार पहले वाले तो होंगे ही, चार पहले वाले और तीन जो है नए। तीन नए में कौन कौन है? एनसीबीसी, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीपीसीआर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग एनसीपीसीआर, ठीक है, और इसके साथ ही पर्संस विथ डिसएबिलिटी, इसमें डब्ल्यू छोटा लिखना है, पर्संस विथ डिसएबिलिटी का कमिश्नर, हिंदी में लिख लीजिए पर्संस विथ डिसएबिलिटी या विकलांग आयोग, विकलांग आयोग के कमिश्नर, ठीक है। तो ये तीन हो गए। ठीक है,
आगे बढ़े। एनएचआरसी पर पहले और एनएचआरसी अब, पहले अब क्या है जो स्थिति थी उसमें था कि कार्यकाल कितना होगा, 5 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, अब कार्यकाल कितना होगा, 3 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, एक और चीज समझिए, पहले जो सचिव का पद था, सचिव के पद की जो शक्तियां थी वह कम थी। अब क्या होगा, सचिव को प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति भी दी गई। प्रशासनिक या ठीक है, अब एक और सवाल है यहां पर, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किस कानून के तहत होता है? क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जिस कानून का हमने उल्लेख किया है, क्या उसी के तहत स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी गठन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग क्या उसी के आधार पर होता है या अलग कानून होते हैं? उसी के आधार पर होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? होता था हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, अब क्या होगा, कोई भी जस्टिस। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पहले और अब, पहले क्या था, अध्यक्ष कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब क्या होगा, अध्यक्ष हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का कोई भी जज। ठीक है, जज में नुक्ता भी लगा देता हूं, शुद्ध हिंदी जो है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इसे सवाल आएगा मुख्य परीक्षा का। क्या सवाल होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान को बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये पहले और अब वाला मॉडल नहीं लिखेंगे वहां पर, आप क्या लिखेंगे, आप ये जितने हैं पॉइंट्स बनाकर क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट, बस हो गया। देखिए, प्री मेंस भी पढ़ने का एक अप्रोच है, यही सवाल जब मेंस में पूछा जाएगा तो हम इसको, अब इसी को आप क्या कहते हैं कि मैं करंट पढ़ के आ रहा हूं,
करंट तुम खाक पड़ोगे अलग से, अगर जोड़ नहीं पाओगे तो करंट का कि उसमें लिख रहा है कि प्रिय छात्रों अब मैं करंट का सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर ये बता कि प्रिय छात्रों अब मैं प्री में तो भाई देखो करंट होता है, समसामयिक घटनाएं होती हैं, लेकिन ये घटना थोड़ी तो मुद्दा है ना, इट्स नॉट इवेंट्स, ये कोई घटना थोड़ी है, ये क्या है इशू है ना, ये इशू है तो इसको इशू को जोड़ के ही तो हमेशा पूछा जाएगा, तो ये पॉलिटी पेपर टू में क्या है पूछा जाएगा। तो बच्चों की तैयारी का जो स्वरूप है कुछ ऐसा हो गया है, जैसे आप ये देखेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम हो गई है कि जैसे ऑपरेशन जब होता है तो एनेस्थीसिया वाला जो है अलग होता है, तो हड्डी वाला अलग होता है, तो हर्ट वाला अलग होता है, और कई बार क्या होता है एक आध केस ऐसा भी होता है कि एनेस्थीसिया वाला जो है थोड़ा लो डोज दे देता है, तो ऑपरेशन के बीच में ही मरीज को होश आ जाता है। मतलब आप बहुत शीघ्र बहुत अलग अलग करेंगे ना तब भी, क्योंकि ये एग्जाम तो एक व्यक्ति को देना है ना, तो वो किस तरह से चीजों को कर रहा है। लेकिन इतना क्लैरिटी के साथ अपडेट के साथ बताने के लिए मास्टर को भी उतना ही क्या है पढ़ना भी पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो बोझ हो जाएगा ये कि जो मैं लेट हुआ हूँ ये मैं लास्ट जो है कर रहा था, जो भी आधे घंटे में लेट आया ना ये लास्ट, क्योंकि पढ़ाने के पहले ये भी तो है कि भाई हमने जब अखबार में आया तब तो पढ़ लिया, मैंने ऐसे देख लिया कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अब तो एक कॉपी में लिखेंगे ना आप, और लिखने में अगर दो नंबर कम हो गया और दो नंबर कम होने की वजह से आप एसडीएम से डीएसपी हो गए, तो आप तो जिंदगी भर कोसेंगे ना कि दीपक सर की वजह से अगर दो नंबर अगर और आया होता तो लम्हों ने खता नहीं की होती। तो ये अप्रोच है, इस अप्रोच को क्या है करना। इसी में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो और भी पक्ष हैं उन पक्षों को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मैंने आपको बताया था कि क्यों इसका गठन होता है, और कल मैंने बताया था कि पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों को हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है। फिर मैंने बताया था कि भाई पेरिस सम्मेलन की कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट है उसकी वजह से भी हुआ। फिर एक और चीज़ है कि देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सामान्य तौर पर जो मुकदमों के द्वारा हमें न्याय मिलता है वो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और आप देखेंगे कि हालांकि न्यायालय स्वतः संज्ञान से कई चीज़ों को सीओ मोटो नोटिस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज पर होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी स्वतः संज्ञान पर कोई कार्रवाई शुरू कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई घटना हो रही है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि आप इस पर रिपोर्ट दीजिए। तो ये जो है ये फोरम इस मामले में क्या हो गया अलग हो, एक है कि पीड़ित व्यक्ति जा रहा है जिसके अधिकार का हनन हुआ है, और एक है कि खुद फोरम को है कि भाई ये बहुत गड़बड़ हो रहा है इस पर आप क्या करिए रिपोर्ट दीजिए। तो एक तो ये आपको बताया गया, लेकिन ज्यादातर आप वेबसाइट खोलकर देखेंगे ज्यादातर जो शिकायतें होती हैं वो पुलिस के खिलाफ होती है, पुलिस या उत्पीड़न के संदर्भ में क्या होती है। एक और बात है जिसको पॉलिटी के संदर्भ में भी आपको देखना है यहां पर कि भारत में जो नियुक्तियां होती हैं तो नियुक्ति के तरीके कई हैं। नियुक्ति का एक तरीका यह है कि सरकार सीधे नियुक्ति करे, सरकार के द्वारा नियुक्ति, और दूसरा होता है कि किसी कमेटी के द्वारा नियुक्ति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक कमेटी बनती है जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर नियुक्ति होती है, और इस कमेटी में विपक्ष का नेता भी होता है। जाहिर सी बात है कि जैसे जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, जैसे राष्ट्रपति ने राज्यपाल की नियुक्ति की, जो सीधे सरकार नियुक्ति कर रही ना, एक राष्ट्रपति कहने के लिए लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। यहां अगर ये तरीका होता तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता वो सीधे सीधे सरकार का क्या होता, आदमी होता, सीधे सीधे सरकार का आदमी होता। अच्छा, जो विभिन्न आयोग हैं उनके कम कारगर होने की एक वजह ये भी है
कि जो सरकार के द्वारा सीधे नियुक्ति की जो बात है, वह सीधे जो नियुक्ति है सरकार के द्वारा, उसमें कई बार वो सरकारी आयोग क्या है बन जाता है। जैसे आपसे एक सवाल आएगा कि यह आयोग जो है दंत विहीन और नख विहीन हो गया है, कुछ खास कारगर नहीं हुआ, तो उसके रीजन क्या है, तो रीजन को भी क्या है आपको समझ ये बताना है कि भाई ये है। अब यहाँ पर मैं पूरा समराइज कर देता हूँ, पॉइंट्स सारे समराइज कर देता हूँ कि जो पॉइंट्स जो है कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए एनएचआरसी के संदर्भ में। एक तो मैंने बताया कि भाई क्यों, एक है कब, कब हुआ था 1993 में, संशोधन कब हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। क्यों हुआ था, तो एक तो है कि पुलिस के खिलाफ शिकायत, पेरिस समझौता, और दूसरा न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो लंबी है, खर्चीली है, और इसके बजाय जो एनएचआरसी है वह भी न्यायालय की तरह पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों के हनन होने पर स्वतः संज्ञान सियोमोटो ले सकता है, ठीक है। फिर इसके साथ ही यहां पर इसकी जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, इसको भी थोड़ा समझना है। इसकी संरचना मैंने अभी आपको समझा दी कि संरचना क्या है, अभी की जो संरचना है तो एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कितना हो गया एक, तीन सदस्य होंगे जिसमें एक महिला भी होगी, और 4-3-7 यहां पर पदेन सदस्य हो गए, ठीक है, ये पदेन सदस्य हो गए, कितने हुए 7-3-10-1-11, और सचिव सहायता करेगा, ठीक है, ये हुआ स्वायत्तता। अब इसमें स्वायत्तता में क्या है, पहला है कि भाई समिति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, समिति के द्वारा नियुक्ति की जाती, सीधे केवल कार्यपालिका के अधीन नहीं, समिति के द्वारा। कार्यकाल की क्या है, निश्चितता है, ठीक है, अपने तरीके से कर्मचारी वगैरह रखने की क्या है, क्षमता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसका काम क्या है और इसकी कमी क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर जो कुछ डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या है आपको बता देता हूं कि भाई ये थोड़ा सा मैंने नहीं बताया है, ये और ये क्या बताया, तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फिर आपको स्वायत्तता।